इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला छीन लिया लेकिन हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। वोट की हिफाजत करें, 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। लतीफ़ खोसा ने कहा, अदालत से कोई उम्मीद नहीं, हम आवाम की अदालत जा रहे हैं। बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं, करोड़ों वोटर से इंतखाबी हक छीना गया। अजीब अजीब इंतखाबी निशान अलॉट करके मजाक उड़ाया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, जिसने हमसे बल्ला ले लिया, घबराना नहीं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच। हमें क्या इंसाफ की तवक्को मिल सकती है आपसे? अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रजू करेंगे, आपके हुक्म की वजह से निशान बल्ला जो है ये हमसे छीन लिया, और बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, कि मजाक उड़ाया गया है ये आपने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।